नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और कश्मीर की लेटेस्ट न्यूज़ की इस वीडियो में। दोस्तों बहुत ही बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, पूरे इंडिया से रिलेटेड ऐतिहासिक एक न्यूज़ आई है इंडिया की, जो कश्मीर से जुड़ी हुई है। और जम्मू और कश्मीर में दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है जम्मू और कश्मीर को। और दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज़ आई है, वहां के मुख्यमंत्री जो महबूबा मुफ्ती थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी सिक्योरिटी भी छीन ली गई है। और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनकी सिक्योरिटी छीन ली गई है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। महबूबा मुफ्ती को 5 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया गया और उनके गिरफ्तार करते ही बहुत ही बड़ी पथरावबाजी होने लगी जम्मू और कश्मीर में। और उसके पश्चात वहां के हालात बहुत ही बिगड़ गए और भारतीय सेना ने वहां पर एक बहुत ही बड़ी टुकड़ी जमा की सेना की, जिससे वहां के हालात बहुत ही गंभीर हो चुके हैं। और वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, जिसे कोई भी फर्क नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके कारण कश्मीर के हालात बहुत ही बिगड़ गए हैं। महबूबा मुफ्ती पूर्ण रूप से जेल में जा चुकी हैं और उनके कारण ही ये पथरावबाजी हो रही है और उनको छोड़ने की अपील की जा रही है। और जम्मू और कश्मीर की लेटेस्ट न्यूज़ एक और है कि कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की बातें आ रही हैं और धारा 317 जो है वहां पर हटा दी गई है, जिसके कारण वहां के हालात बहुत ही गंभीर हो चुके हैं। और खुशखबरी की बात यह है कि धारा 317 हटाने से वहाँ के जो गरीब मासूम लोग हैं, जो आरक्षण से रहित थे, अब उनको आरक्षण मिल जाएगा और उनकी लाइफ भी सुधर जाएगी। कश्मीर के हालात को देखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। जल्द ही डिसीजन लेंगे, तो इस वीडियो पर आने का आपका धन्यवाद। कश्मीर की न्यूज़ की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आपसे पीसफुली रिक्वेस्ट है, विनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहें और अच्छी अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहें। तो कश्मीर की लेटेस्ट न्यूज़ की इस वीडियो में इतना ही, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर चालू कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए घंटी अवश्य ही चालू रखें।